Welcome to day 1 of Vital Vocabulary. In this video, we will learn 10 vocabulary building words. The first word is avid. Avid is something characterized by enthusiasm and vigorous pursuit. यानी कि कोई चीज that excites you, आपको उत्सुक करती हो, ठीक है? Something, you like something to an extent कि आपका लालच, आपका greed आ जाए, ठीक है? इच्छुक हो आप किसी चीज के, to an extent where your greed comes in. So that would be avid. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, my brother was an avid sci-fi watcher on television. एविड का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसका भाई जो था वो पूरे दिन टीवी देखता रहता था, मतलब इट सरपास द लिमिट, ठीक है? मतलब उसका इतना विगर था, इतना मतलब एंथुजियाज्म था उस चीज को देखने के लिए, यू नो, कि उसकी ग्रीड आ गई कि वो पूरा दिन टीवी ही देखता रहता था, साइफाई चैनल, साइफाई शोज ही देखता रहता था. सो दैट इज एविड. द सेकेंड वर्ड इज बोल्स्टर. इट मीन्स टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, to cheer up someone, to boost someone, ठीक है? To aid, to help someone. जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो उस दिन किसी दिन लो फील कर रहा है, सो यू वांट टू चेयर देम अप, सो यू बोल्स्टर देम अप, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, द पॉलिसी विल हेल्प होम ओनर्स कीप अप देयर हाउसिंग एंड बोल्स्टर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इट विल इम्प्रूव, इट विल सपोर्ट, इट विल स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. The third word is datum. Datum is a premise, a starting point, a given fact. It's like an information. किसी चीज की शुरुआत करने के लिए आपको जो information चाहिए होती है, that is datum. तो यहाँ पे एक example दे रखा है. One good datum, if it can be trusted, is good enough to start research. वो बोल रहे हैं एक valid information, एक शुरुआत के लिए एक सही information अगर हमें किसी चीज के लिए मिल जाए तो हम उस पर research initiate कर सकते हैं. सो दैट इज डेटम, इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटम. द फोर्थ वर्ड इज फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड इज स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट इनेबल्स वन टू एंड्योर एडवर्सिटी विद करेज. इट इज रिलेटिंग विद ब्रेवरी, ठीक है? जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, ठीक है, और आप उसका बहुत ही हिम्मत से, ब्रेवरी से उसका सामना करो, ठीक है, उस चीज से डरो नहीं, गिव अप मत करो. सो दैट इज योर, दैट इज अ वर्च्यू ऑफ फोर्टिट्यूड, ठीक है? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ही शोड फोर्टिट्यूड इन द फेस ऑफ अ हॉस्टाइल सोसाइटी. लाइक वेन एवरीथिंग वॉज नॉट कमिंग अकॉर्डिंग जैसा वो चाहते थे, या सोसाइटी में चीजें नहीं इतनी स्मूथ चल रही थी, देन ही डिड नॉट गिव अप एंड शोड फोर्टिट्यूड. उसने करेज दिखाया, उसने ब्रेवरी दिखाई, वो मतलब डट के वहीं पे खड़ा रहा हिम्मत से. सो दैट इज फोर्टिट्यूड. द नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्डेंट. इट इज हैविंग और शोइंग अ शार्प और क्रिटिकल क्वालिटी. इट इज लाइक बाइटिंग. मॉर्डेंट क्या होता है? कोई ऐसा रिमार्क जो चुपता हुआ सा हो, थोड़ा सा व्यंग सा हो, ठीक है, थोड़ा तीखा सा हो, ठीक है? सो ऑब्वियसली विटी भी हो, और क्या कहते हैं, दैट काइंड ऑफ अ कॉमेंट इज मॉर्डेंट. इट इज क्वाइट बिटर इन नेचर, सरकास्टिक होता है, स्केथिंग होता है, क्रिटिकल बहुत ही ज्यादा, ठीक है? सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द कॉमेडी शो वी वेंट टू हैड फन रेंजिंग फ्रॉम अ स्लैपस्टिक क्लाउनिंग टू सेविज मॉर्डेंट विट. स्लैपस्टिक ह्यूमर क्या होता है? जो सर्कस में जोकर क्लाउन्स करते हैं उस तरह का ह्यूमर, ठीक है, जो एक्टिविटीज के थ्रू हो जाता है, यानी कि वायलेंस, इंटेंशनल वायलेंस या वायलेंस बाय मिसहैप दिखाते हैं कि अच्छा इसने इसको मार दिया, थोड़ा सा ऐसा, वो स्लैपस्टिक ह्यूमर. सो द एग्जाम्पल सेज इट हैड फन रेंजिंग फ्रॉम स्लैपस्टिक क्लाउनिंग टू सेविज मॉडर्न्ट विट, यानी कि उसके सिवा देयर वॉज सो मच विट, ठीक है, कि ऐसे कमेंट्स भी थे, ऐसी कॉमेडी भी थी कि जो बहुत ही ज्यादा यू नो क्या कहते हैं, थोड़ी सरकास्टिक सी, ठीक है, व्यंग करती हुई कॉमेडी भी थी वहां पे. द नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस. इट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली विकेड, विलेनियस, सिनफुल है, हीनियस है, यानी कि बहुत ही कुटिल जिसे कहते हैं, कोई बहुत ही बेईमान है, नीच है, दुष्ट है, दैट समवन इज नेफेरियस.
नीचे एग्जाम्पल दिया है, बीवेयर ऑफ हिज नेफेरियस स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जो पागल बनाती हो, ठीक है, बहुत ही चालू तरह की स्कीम्स हो जिससे सबका किसी का पागल बनाया जाए, विकिड हो, ठीक है, तो गलत हो, स्कैंडलस हो, करप्ट स्कीम्स, सो दैट इज नेफेरियस. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशन. इट इज अ डिस्प्ले ऑफ वैनिटी टू अट्रैक्ट फ्लैटरी एंड अप्लॉज, यानी कि कोई ऐसी चीजें करे, कोई ऐसे काम करे, ठीक है, शो ऑफ करे, ठीक है, फालतू में, किस लिए करे, ताकि फ्लैटर करना चाहता है वो लोगों को, शो ऑफ से तालियां बटोरना चाहता है, तो दैट इज ऑस्टेंटेशन. ठीक है, नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, शी इज अ चार्मिंग होस्ट विदाउट एनी टच ऑफ स्टिफनेस और ऑस्टेंटेशन, यानी कि वो कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छी होस्ट है क्योंकि वो दिखावा नहीं करती. ठीक है, ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या हो गया, दिखावा करना, शो ऑफ करना किसी चीज को. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस. इट मींस बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस, जो हर जगह मौजूद हो. ठीक है, दैट इज यूबिक्विटस. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर द टर्म रिस्क हैज बिकम यूबिक्विटस. That means कि अब हम इस तरह के दुनिया में रहते हैं, इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हर जगह रिस्क है, हर समय रिस्क है, ऐसा कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे रिस्क प्रेजेंट नहीं हो. सो ubiquitous means जो हर जगह प्रेजेंट हो. ठीक है, omnipresent, something that is present everywhere, that is ubiquitous. The next word is vociferous. It says something that is offensively loud, outcry, noisy, ब्लेटेंट, यानी रोना धोना, चीखना चिल्लाना, शोर मचाना, नॉइजी हो, दैट इज वॉसिफेरस. नीचे एग्जाम्पल दिया है, द वॉसिफेरस मॉब वेंट डाउन द स्ट्रीट. मॉब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, तो इस तरह का एक कलेक्शन ऑफ पीपल यहां से गया है, कौन सा, जो बहुत ही ज्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना कर रहा था, जोर जोर से नारे लगा रहा था, दैट इज अ वॉसिफेरस मॉब. द लास्ट वर्ड इज वॉल्यूबल. इट इज लाइक टॉकिंग फ्लूएंटली रेडली, यानी कि जो बोलने के लिए हमेशा तैयार हो, कम्युनिकेटिव हो, गैबी हो, ठीक है, जो बहुत बातें करता हो, दैट इज उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, वॉल्यूबल. जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है, शी इज एन एक्सट्रीमली वॉल्यूबल यंग वुमन. ठीक है, सो जो बहुत ज्यादा बातें करती हो, खुल के बातें करती हो, फ्लूएंटली बोलती हो, ठीक है, एक्सप्रेसिव हो बहुत ही ज्यादा नेचर में, सो दैट इज वॉल्यूबल. सो द 10 वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टूडे आर एविड, bolster, datum, fortitude, mordant, nefarious, ostentation, ubiquitous, vociferous, voluble.